विकास की बात मुखिया जी के साथ। इस कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं भड़सर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ है। वैसे मैं बता दूं कि इनकी पत्नी यहां की मुखिया है और ये एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में इतना सुंदर अपने पंचायत का निर्माण किए हैं, बहुत ही सुंदर और काफी कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी से ये अपने जनता के साथ रहते हैं। आइए बात करते हैं, जानते हैं 2 साल 3 महीने के कार्यकाल में इन्होंने अपने पंचायत को कहां तक डेवलप किया है और क्या क्या बताना चाहेंगे। आइए बात करते हैं मुखिया प्रतिनिधि से। पहले हमारे समृद्धि न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तमाम जनता आपको टीवी स्क्रीन पर देख रही है, यहाँ तक कि तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी भी देख रहे हैं। मुखिया जी, जानना चाहेंगे, चूंकि आप एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं, आपकी पत्नी मुखिया है, इसके नाते आप एक अच्छे पति भी हैं और एक पत्नी के अच्छे प्रतिनिधि भी हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं। सुंदर ढंग से आपने अपने पंचायत को देख रेख किया है। जानना चाहेंगे कि बिहार सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट साफ निश्चय योजना चल रहा है, इस पे आपका क्या स्टेटमेंट है, आप क्या बताना चाहेंगे, कैसी योजना है ये योजना? ये लोग हम लोग की तरफ नहीं चाहिए था, ये लोग पहाड़ी इलाका में अच्छा काम करते हैं। साफ निश्चय योजना जो कि वहाँ पानी का दिक्कत होता है, हमारे यहाँ 60 फीट में पानी मिल जाती है। यहाँ जो साफ नीचे में जो पैसा ने नल जल में लग रहा है और वो पक्कीकरण के लिए आता है, उसमें मेरे वार्ड में अच्छा काम होता है। यानी कि नल जल योजना जो चल रही है जी, नल जल योजना को यदि छोड़ दिया जाए, नली गली की बात की जाए, तो साफ नीचे योजना में नली गली अच्छी है, सिर्फ नल जल योजना अच्छी नहीं है जी? नली गली अच्छी है सर, नली गली अच्छी है। अच्छा मुखिया जी, यदि बात करें हम ये साफ निश्चय के अलावे हट के या फिर साफ निश्चय पे आए, तो यदि नल जल की बात हटा दिया जाए, तो पानी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था आपके अनुसार क्या होनी चाहिए? पानी सर हमारे कल चापाकल, इससे जनता को ज्यादा बहुत अच्छा खुशी रहता। लोग हम अभी तक नल जल के छोड़कर बोलते हैं लोग कि हमें चापाकल दीजिए, नल जल सर के साथ नीचे योजना है तो करना काम है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपकी पंचायत है, कितने गांव से बनी है ये पंचायत? 5 गांव है, 1 टोला है। अच्छा, कौन कौन गांव है? मनैनी, जैसी भी, भड़सर, भुलुकुआ, जैसे भुलुकुआ, तिवारी डी और एक मिरी टोला नाम से जाना जाता है। अच्छा अच्छा, की संख्या कितनी आती है? 10। और कितने चयनित वार्ड है अभी तक? तो 16, 17, 18 में 5 चयनित वार्ड है, जिसमें 4 में काम चल रहा है। चलिए, बहुत 4 में काम चल रहा है सर। और टोटल चयनित कितने हुए? 5। एक में नहीं चल रहा है, एक में पैसा अभी नहीं है। चलिए, यदि लोहिया स्वच्छ अभियान की बात की जाए, क्योंकि लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत हर घरों में शौचालय लगाने की बात चल रही है, मैक्सिमम पंचायत उड़ी भी हो गए हैं, यदि आपकी पंचायत की बात की जाए तो क्या पोजीशन है? हम प्रशासन लोग से बोले हुए हैं कि हमारे पंचायत को भी अब घोषित कर दिया जाए, क्योंकि हम जानता उसको कर दिया, लोग अपना शौचालय बना रहे इच्छुक है लोग। अच्छा अच्छा, धीरे धीरे लोग बना रहे हैं। कितना परसेंट लोग बन गए? लमसम हमारे पंचायत में 30% शौचालय बन चुका है। 30% बन चुका है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और आप प्रयासरत है, क्या उम्मीद रखा जाए मुखिया जी, चूंकि आप एक अच्छे प्रतिनिधि हैं, क्या उम्मीद रखा जाए, कब तक ODF हो जाने की संभावना है? 1 महीने के अंदर हम ODF करवा देंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी विचारधारा। यदि सरकार को कोई सुझाव देना हो, चूंकि आप जनता के बीच रहते हैं, एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं, जनता के हर सुख दुख में सामने आते हैं, तो सरकार को आप क्या सुझाव देंगे ताकि एक आदर्श पंचायत बनाने में आपको सपोर्ट मिले? सरकार से आपको क्या चाहिए, क्या सुझाव देना चाहेंगे? सरकार से हमें एक सुझाव चाहिए कि हमें वृद्धा पेंशन की बहुत दिक्कत है। जब जाते हैं पंचायत में लोग वृद्धा पेंशन के लिए, हमें लोग बोलते हैं कि मुखिया जी आप जीते हैं तो वृद्धा पेंशन बंद हो गया है। जो खाता पहले था, उसके बाद जो कबीर अंत्येष्टि है, अभी तक हमारे पंचायत में लमसम 125 आदमी मर चुके हैं, अभी लमसम घर से पैसा देना पड़ता है, सरकार का कोई फंड नहीं है। आया है, बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। अच्छा जी, चूंकि आपने हर बातों को, अपनी हर विचारधाराओं को सरकार के सामने रखा, चैनल के माध्यम से अपने सरकार को बताया, फिर भी यदि सुझाव की बात की जाए कि आप सरकार को सुझाव क्या देना चाहते हैं, क्या सरकार करे कि आप आदर्श पंचायत बनाने में अपने आप को अच्छा रोल निभा सकें? हमारे पंचायत में एक हाई स्कूल चाहिए। हाई स्कूल चाहिए जी, अगर हाई स्कूल रहता तो हमारे पंचायत आदर्श पंचायत बन जाता। बहुत अच्छा लगा आपसे। आप लोग देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी भड़सर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संजीत कुमार जी हमारे साथ हैं। और संजीत कुमार जी बहुत ही निहायती ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और होनहार हैं, एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में अपने पंचायत को सुंदर और स्वच्छ देखना चाह रहे हैं। इनका वादा है कि अभी तो 30% ही शौचालय हमारे घरों में बन पाए हैं, लेकिन 1 महीना में पूरे पंचायत को ODF करके दिखाएंगे और काफी विश्वास के साथ ये काम कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर और उदार विचार के हैं।
सात निश्चय योजना में इन्होंने नली गली को सक्सेस योजना बताया, लेकिन नल जल की बात इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ नल जल की कोई जरूरत नहीं थी, सरकार का अन्य से बिना मतलब का पैसा बर्बाद हो रहा है, इसको यदि चापाकल में कन्वर्ट कर दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। बहुत सारी बातें इन्होंने सरकार से मांग भी की है कि हम चाह रहे हैं कि हमारे पंचायत को आदर्श पंचायत बनाया जाए, लेकिन सरकार का यदि सहयोग मिले, यदि सरकार हमारे पंचायत में एक हाई स्कूल दे दे तो हमारा पंचायत निश्चित तौर से एक आदर्श पंचायत बन जाएगा। बाद बाकी काफी तत्परता और निर्भीकता रूप से और काफी सहनशीलता रूप से अपने पंचायत को सुंदर और विवेकशील ढंग से इस आदर्श पंचायत बनाने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। समृद्धि न्यूज चैनल सरस्वती तिवारी, कैमरामैन राजा के साथ धन्यवाद।